अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आइयो वो खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिफी करलाल और आप देख रहे हैं पाक गलियात व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, देख सकते हो जी, ये अप्रैल 2 अप्रैल की डेट है और गलियात का मौसम सुहाना। और पिछली वीडियोस में मैं भी आपको बताता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्दी है यार, सर्दी बहुत ज़्यादा है। इतनी सर्दी नहीं होती थी, बहरहाल इस दफ़ा कुछ एक्स्ट्रा और अल्ट्रा सर्दी है, पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल ये देख सकते हैं, अल्लाह की शान आपके सामने है। और माशाल्लाह से वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ही प्यारा, और रमज़ान का महीना और बड़े ज़बरदस्त किस्म के गलियात और मरी की तरफ और नथिया गली की तरफ रोज़े जो हैं कि गुजर रहे हैं। और ये पूरे पंजाब और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की एक ही हिसाब है। बहरहाल ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सफ़ेदी पहाड़ों ने जो वाइट चादरें ओढ़ ली हैं, ये बर्फबारी नहीं है, मैं आपको बता दूं, स्नो नहीं है। ये इसे कहते हैं जी ओले, जैसे कि आप शहरों में भी देखते हैं ओले होते हैं। बहरहाल ये छोटे मतलब इस तरह के हैं कि जिस तरह बर्फ़ होती है बिल्कुल सेम उसी तरह मोटे नहीं हैं, छोटे छोटे मतलब बर्फ़ की तरह ही हैं। इसे स्नोफॉल भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं कहा हो सकता। बहरहाल आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल आगे की तरफ क्लियर है, और ये इस्लामाबाद की तरफ देख सकते हैं ये मौसम क्लियर है, लेकिन आसमानी बिजली भी जो है कि वो भी चमक उड़ रही है। अल्लाह पाक खैर करे, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, और अल्लाह पाक रहमत की बारिश और रहमत की जो है कि ये सारी चीज़ें दें। मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं, और आसमानी बिजली भी बहुत ज़ोर तेज़ बहुत तेज़ जो है कि वो भी बरस रही है, और बारिश के जो ओलों की रफ्तार है वो भी तेज़ हो चुकी है। आप सुन सकते हैं, मैं एक छत के नीचे बैठा हुआ हूँ और अपने जो है कि भाई गांव में हूँ, और मतलब ऊपर रोड की तरफ नहीं जा सका, लेकिन मैंने एबटाबाद भी साइड जाना था, बहरहाल मैं नहीं जा पा रहा। जैसे ये बारिश वगैरह क्लियर होती है और मैं आपको जाके क्लियर आपको बताता हूँ कि क्या हिसाब किताब है, कब से ये बर्फबारी कब ख़त्म होगी, क्या सिस्टम है। अभी कोई इसका पता नहीं है कब तक ये रहेगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत स्पीड से ये जो कि जारी है, अगर चाहे इसी तरह लगी रही तो रास्ते भी बंद हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, गाड़ियां स्लिप होना स्टार्ट कर देंगी। और ये है कि अभी जो है कि बिल्कुल रास्ते क्लियर हैं, रास्तों में कोई इशू नहीं है, ये थोड़ी बहुत है ये ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर तक। अगर चाहे आप गलियात की तरफ रमज़ान गुजारने के लिए आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, मौसम बड़ा प्यारा है, सर्दी है, और मैं कहता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के रमज़ान गुजर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मरी रोड की वीडियो बना के बताऊँ, और एक चीज़ आपको यहाँ से बता दूँ कि मरी रोड कहाँ पे है। ये देख सकते हैं जी, मरी और नथिया गली रोड है ये वाला, ठीक है जी, ये मरी और नथिया गली रोड है, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक गाँव में, और गाँव से आपको अपडेट कर रहा हूँ। ये यूबिया से सिर्फ 2 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद हूँ, ठीक है जी, ये यूबिया की सिर्फ 2 किलोमीटर दूर की आपको अपडेट दे रहा हूँ कि माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ हो रही है। इसे ओले भी कहें और बर्फ़ कहें तब भी गलत नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं बहुत ही पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, और सर्दी की बात करूँ कि सर्दी ने शिद्दत पकड़ लिया, सर्दी पहले से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और अल्लाह ही रहम करे इस मौसम में इतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं देखी, ये मौसम ख़राब रहेगा 5 से 6 अप्रैल तक, और 6 अप्रैल के बाद कहीं जाके इधर मौसम क्लियर होगा। उसके बाद भी इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे आपके साथ इधर के अपडेट्स शेयर करते रहें, और इससे पहले भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ एबटाबाद के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा पाते, उनको वो एक्सप्लोर करने हैं, उसके बाद वापस फिर गलियात की तरफ आएँगे। और अभी तक यही है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि ऊपर मैं मरी रोड की तरफ जाऊँ और मरी रोड की भी आपको अपडेट सारी देता रहूँ। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मौसम क्लियर होता है, बारिश क्लियर होती है, ये ओले वगैरह ख़त्म होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जाके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ।